बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित को डॉक्टर श्रीराम नेने की हुए 24 वर्ष बीत चुके हैं। जोड़ा अब भी अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर हर साल यकजहती का जश्न मनाता है। माधुरी के मदाहों को याद होगा जब उनकी अमेरिका में मुकीम सर्जन के साथ खुफिया शादी की खबरें थीं। ये मदाहों के लिए सदमे से कम नहीं थीं। जोड़े की तरफ से कहा गया था कि ये एक तयशुदा शादी थी, मगर हमें यकीन है कि आप माधुरी दीक्षित और डॉक्टर श्रीराम नेने की प्रेम कहानी और शादी के बारे में बहुत से दिलचस्प बातों और हकायक से बेखबर हैं। जो लोग ये समझते हैं कि दोनों की मुलाकात तयशुदा शादी के सेटअप के जरिए हुई थी, तो ये गलत है, जिसका सबूत माधुरी के शौहर डॉक्टर श्रीराम नेने का वो इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया था कि उनकी शादी माधुरी से तय नहीं हुई थी। दोनों की मुलाकात मुश्तरका दोस्तों के जरिए हुई और काफी अरसा मेल मिलाप चलता रहा, इसके बाद मंगनी हुई थी। अगरचे माधुरी दीक्षित के वालदैन इस ख्वाब से खुश थे, लेकिन उन्होंने आखिरकार शादी के लिए हाँ कहने के लिए अपना वक्त निकाला। जैसे ही माधुरी दीक्षित और डॉक्टर श्रीराम नेने ने शादी करने का फैसला किया, वो अपने अहले खाना के साथ अमेरिका चले गए, जहां तमाम रस्में खुफिया तौर पर हुईं। माधुरी दीक्षित के लाखों मदाहों को अमेरिका में मुकीम सर्जन के साथ उनकी शादी के बारे में कोई इल्म नहीं था। हिंदुस्तान में ये खबर माधुरी के देरीना मैनेजर और साथी ने दी थी। शादी के बाद जोड़े ने मुंबई में बॉलीवुड से ताल्लुक रखने वाले दोस्तों के लिए शानदार इस्तकबालिया दिया था। शादी में फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता खिलाड़ी और सियासतदान भी मौजूद थे। हवाई में सुहागरात के बाद माधुरी दीक्षित अपने तमाम फिल्मी वादों को पूरा करने के लिए मुंबई आईं और निपटा कर वापस लॉस एंजलिस चली गईं। माधुरी ने शादी तो की, लेकिन इस शादी से बहुत से दिल टूटे। मदाहों में से कोई भी नहीं जानता था कि वो कब फिल्मों में वापसी करेंगी। माधुरी दीक्षित ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं अपने शौहर के लिए नाश्ता बनाती थी जब वो कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी में थे। नाश्ता के बाद वो चले जाते तो मैं देर तक सोती। मैंने ज़िंदगी के हर मिनट को एंजॉय किया। माधुरी दीक्षित के दो बेटे आर्यन और रियान हैं। उनकी पैदाइश के चंद साल बाद जोड़े ने भारत मुंतकिल होने का फैसला किया। वो 2011 में वापस आ गए। माधुरी दीक्षित ने बताया कि उनके शौहर हमेशा से चाहते थे कि बच्चे हिंदुस्तान में परवान चढ़ें। राम नीने जब भी मुंबई आते हैं, वो कोलकाता में हावड़ा ब्रिज, हिमाचल प्रदेश में शिमला, हैदराबाद में चार मीनार और राजस्थान में अजमेर श्री दुर्गा देखने जरूर जाते हैं। माधुरी की 2011 में वापसी मदाहों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। माधुरी ने 2007 में एक फिल्म आजा नच ले भी की थी, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। माधुरी ने वापसी के बाद जो फिल्में की उनमें इश्किया, गुलाब गैंग, बकेट लिस्ट, कॉलिंग, टोटल धमाल शामिल हैं, लेकिन उनमें से कोई भी बॉक्स ऑफिस पर कदम ना जमा सकी। माधुरी का प्रोग्राम डांस विद माधुरी बहुत पसंद किया जाता रहा। तजाद फरामोश, शरीफ डिजिटल।